सब्सक्राइब कीजिए क्लस्टर कैरियर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल क्लस्टर करियर। और आज मैं इग्नू के ऊपर एक टॉपिक लेकर आया हूँ हमारे स्टूडेंट के हेल्प के लिए। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो प्रॉब्लम मैं देखता हूँ कि उन जाते हैं स्टार्टिंग में एडमिशन के टाइम पर साइबर कैफे में, और साइबर कैफे में उनका जो है बंदा वहां पर बैठा था वो गलत फॉर्म भर देता है, अपनी मर्जी से भरता है, तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भर देता है आपके जो आप क्लियर कर भर एग्जाम देते जा रहे हैं आपसे क्लियर नहीं हो रहे हैं और बच्चे परेशान रहते हैं। तो उसके लिए मैं आज सॉल्यूशन आपको बताने जा रहा हूँ। तो गाइज, आपको अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट है जिसे आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं या आप गलती से ले लिए हैं, नहीं लेना चाहते थे, आ गया आपके पास, तो उसका एक सॉल्यूशन है कि आपको आप सब्जेक्ट चेंज करा सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है, आसानी से करा सकते हैं, कोई इसमें बड़ी इशू नहीं है, सब्जेक्ट आराम से चेंज करा सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर कुछ बातें ध्यान देनी है सब्जेक्ट चेंज कराने से पहले या कराते वक्त कि अगर वो आपको नहीं पता होगा तो गड़बड़ होगी, आप काफी ज्यादा लंबा चक्कर लगाने लगेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप सब्जेक्ट जो चेंज कराने जा रहे हैं, आपने एग्जाम दिया, पहले आप देख के देखिए कि वो सब्जेक्ट आपके लायक है कि नहीं। अगर आपको लगता है स्टार्टिंग में ही एग्जाम देने से पहले लगता है कि आप उसको नहीं क्लियर पर कर पाएंगे, आप उसमें अच्छे नंबर नहीं ला पाएंगे, तो आप वो सब्जेक्ट चुन लीजिए जो आपके लायक। अब आप सब्जेक्ट कौन सा चुने ये ध्यान देना पड़ता है। फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट ईयर में आपके सब्जेक्ट, अगर आप फर्स्ट ईयर में और आप चेंज कराना चाह रहे हैं अपने सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट को, तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि आप जिस ईयर के हैं उसी ईयर के सब्जेक्ट ले सकते हैं, उसके आगे के ईयर के आप नहीं ले। फर्स्ट ईयर में है तो आपको फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट लेने होंगे, अगर आप सेकंड ईयर में हैं तो आपको सेकंड और फर्स्ट इन्हीं दोनों में से सब्जेक्ट चुनने को मिलेगा, और अगर आप थर्ड ईयर में हैं तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में से चुनने को मिलेगा। अब ये ऐसा नहीं हो सकता, मान लीजिए आप सेकंड ईयर में हैं और आप कहें कि मैं थर्ड ईयर का सब्जेक्ट ले रहा हूं, ऐसा नहीं हो सकता। पहली बात आपको ये देखनी है कि जिस ईयर में है सेम ईयर में से ही सब्जेक्ट चुनने की कोशिश करें। दूसरी चीज आपको ये ध्यान देनी है कि जितने क्रेडिट का आप अपने क्रेडिट का ध्यान दें, मान लीजिए चार क्रेडिट का आप सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं, तो लेते वक्त भी आप ये ध्यान दीजिए कि आप जो सब्जेक्ट ले रहे हैं वो चार क्रेडिट का ही हो। कई सारे स्टूडेंट करते हैं, उनको पता नहीं होता, वो तो सब्जेक्ट ले लेते हैं उसमें दिखता नहीं है, ले रहे हैं गलतियां ये हो जाती हैं। तो लेते वक्त ये ध्यान दें कि अगर आप चार क्रेडिट का सब्जेक्ट चेंज करा रहे हैं उसके बदले जो लें वो भी चार क्रेडिट का हो, भले ही दो दो करके हो, क्योंकि कई सारे सब्जेक्ट हैं जो दो दो क्रेडिट के हैं, तो चार आपने दिए उसके बदले में या तो पूरे चार ले लीजिए या दो दो करके चार ऐसे कर लीजिए, चार ही होने चाहिए आपके क्रेडिट, क्रेडिट कम होगा सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, ये बातें आपको दोनों ध्यान देनी पड़ेगी। तीसरी बात आपको क्या ध्यान देनी पड़ेगी, तो आप ये सब्जेक्ट जब चेंज कराने जाएं, आप फॉर्म फिलअप करें वहां पर, तो फॉर्म फिलअप करते टाइम आप उस पर सब्जेक्ट लिख के आप वहां पर जो चेंज कर रहा होगा बंदा उसको दिखा दीजिए कि सर ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं अभी के इस ईयर के हैं और ये मैं लेना चाह रहा हूं, इन सब्जेक्ट क्या ये चेंज हो जाएंगे, और अगर हो जाएंगे तो मुझे कितने इसमें कितने की डीडी बनवानी, अमाउंट मुझे बता दीजिए एग्जैक्ट, क्योंकि ऐसा होता क्या है बच्चे पहले ही जाके डीडी अपने दिमाग से बनवा लेते हैं उल्टे सीधे, और डीडी खराब हो जाती है, उसके पैसे वेस्ट हो जाते हैं, फिर वो परेशान होता है, चक्कर लगाते रहते हैं बैंक के, तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है सब्जेक्ट चेंज कराते वक्त, ठीक है गाइस। और लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सब्जेक्ट जब आप चेंज करा रहे हो, जो भी सब्जेक्ट ले रहे हो, एक बेसिक चीज अपने दिमाग में रखिए, मान लीजिए आपने जो भी कोर्स चुना, फॉर एग्जाम्पल आपने साइंस का मैथ्स का कोई एक सब्जेक्ट चुना, तो ये ध्यान दीजिए मैथ्स के 8 क्रेडिट आपको कंप्लीट एटलीस्ट करने पड़ेंगे, ये नहीं आपने सिर्फ उसके 4 ही क्रेडिट लिए बाकी सब में से 4-4 क्रेडिट ले लिए, लेकिन सिर्फ आपने मैथ के 4 ही लिए। कहने का मतलब है कोई भी कोर्स आप छेड़ते हैं तो उसके 8 क्रेडिट एटलीस्ट कंप्लीट करिए, वरना उसको छूइए भी मत, ठीक है। समझ में नहीं आया तो मुझे आगे अपनी वीडियो में कॉमेंट्स में बताइएगा, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा एक और वीडियो बताकर, या आपको कॉमेंट्स में बताकर कैसे करना है, कैसे चेंज करना है। और सब्जेक्ट चेंज कराने के लिए आप अपने नजदीकी स्टडी रीजनल सेंटर पर जाकर वहां पर फॉर्म फिलअप करके आसानी से, और हाँ वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, अपने फ्रेंड्स को बता दें कि कैसे सब्जेक्ट चेंज करना, उनको दिखा दें वीडियो कमेंट्स में, ताकि वो मेरे से पूछ सके, मैं उन्हें जरूर रिप्लाई करूंगा, कोई भी कमेंट्स ऐसा नहीं जाएगा विदाउट रिप्लाई का। लाइक शेयर करना मस्ट।